राजगढ़ वासियों, स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो राजगढ़ का है और ये घटना बड़ी अजीबोगरीब हुई है। दरअसल बीवी से परेशान होकर एक युवक नेवज नदी में बाइक समेत कूद गया। बिल्कुल सही सुना आपने, ये जो युवक है ये बीवी से परेशान था और इस युवक ने क्या किया कि ये अपनी बाइक को लेकर नेवज नदी में कूद गया। और उसके बाद हैरानी की बात यह है कि गोताखोरों की टीम जो है वो इस युवक को नदी में ढूंढने लगी। बाकायदा रेस्क्यू टीम पहुंची थी इसे रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन ये युवक खुद थाने चला गया। उसके बाद में थानेदार साहब से बोला कि साहब मैं जिंदा हूं और ये जो टीम रेस्क्यू टीम जो ढूंढ रही है मुझे ही ढूंढ रही है, मैं नदी में से बच कर के तैर करके जो है निकल आया। और उसने जो घटनाक्रम उसके बाद सुनाया वो घटनाक्रम बड़ा सुनने लायक है। उसने कहा कि साहब मैं मेरी बीवी से परेशान हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरी बीवी मायके चली गई है, 2 साल से आई नहीं रही है। मेरे पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद में मायके वाले बोलते हैं कि ये तो पागल है और पागल के साथ हम हमारी बिटिया को नहीं भेजेंगे, और पुलिस वालों के पास ये शिकायत लेकर जाता हूँ तो पुलिस वाले मुझे डांट करके भगा देते हैं। तो मैं जो है परेशान हो चुका था और परेशानी की इतनी हद हो गई राजगढ़ वालों कि राजगढ़ की नेवज नदी में ये युवक अपनी बाइक को लेकर कूद गया। और वजह ये कि ये बीवी से परेशान था, मायके इसकी बीवी चली गई थी और मायके से 2 साल से लौट नहीं रही। पुलिस में शिकायत ये युवक लेकर पहुंचा, पुलिस वालों ने नहीं सुनी। और हैरानी की बात तो ये कि जब ये युवक बाइक लेकर नदी में कूदा तो फिर बाकायदा रेस्क्यू टीम जो है इस युवक को ढूंढने में लग गई। लगातार रेस्क्यू टीम इस युवक को नदी में ढूंढ रही थी, तभी ये युवक थाने पहुंच जाता है। थाने पहुंचकर बोलता है कि साहब मैं जिंदा हूं और मुझे ही ये रेस्क्यू टीम जो है ढूंढ रही है। ये बड़ा अजीबोगरीब मामला था, लेकिन एक बात तो तय है कि इंसान समाज में पता नहीं क्या घोषित हो जाता क्या नहीं, इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन बनी सी बात है कि ये युवक बड़ा, मतलब कि इसका जो किस्सा है उस किस्से से एक बात तो सीखने को मिलती है कि समाज किसी को कुछ भी बना सकता है। समाज की नज़र में ये युवक भले ही पागल हो लेकिन मेंटली तौर पर जो इसके साथ गुजरी है, भगवान ना वो करे वो किसी के साथ गुजरे। क्योंकि एक तो पिताजी का देहांत तो हो गया, ऊपर से बीवी मायके चली गई, 2 साल से लौट नहीं रही और मायके वाले पागल घोषित इसको कर दिए, तो फिर सोचिए कि मनोदशा इंसान की क्या होगी। तो ये अजीबोगरीब मामला था, लेकिन इसमें एक मैसेज भी छुपा था। तो शायद मैंने बताया, सोचा कि ये वीडियो जो है राजगढ़ वालों को ज़रूर दिखाना चाहिए। बीवी से परेशान होकर ये युवक बाइक समेत नदी में चला गया था, गनीमत ये रही कि इसकी जान नहीं गई। एक मेंटली जब दबाव जब समाज और सामाजिक लोग डालने लगते हैं तो इंसान अकेला हो जाता है, और अकेला इतना ज़्यादा ये युवक हो गया कि अपनी बाइक को लेकर ही नदी में कूद गया। गनीमत तो ये रही कि इस युवक को तैरना भी आता था, और दूसरी चीज़ ये कि बाइक में इसकी शर्ट उलझ गई थी, और शर्ट जब इसकी बाइक में उलझी तो ये इसने शर्ट उतार करके और जो है तैर कर ये किनारे पे आ गया। शातिर युवक था तो पागल तो नहीं हो सकता, यहीं से पता चल रहा है। थाने में जाकर इन्फॉर्म कर दिया, सूचना दे दी बाकायदा कि साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, पुलिस भी नहीं सुन रही है राजस्थान की और मैं परेशान हो चुका हूँ बुरी तरह से। अगर ये मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होता, अगर ये पागल होता तो ना ये थाने पहुंचता, ना बाइक में जब उसकी शर्ट उलझी थी ना वो तैर कर निकलता। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे लगा कि इस वीडियो में कहीं ना कहीं मैसेज छुपा है तो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाना चाहिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।